नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल भारत यात्रा विद महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज हम तारापीठ मंदिर का इतिहास, तारापीठ का शमशान, वामा खेपा की पूरी कहानी के साथ तारापीठ मंदिर के दर्शन और घूमने की सारी जानकारी बताने वाले हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य का एक धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर कोलकाता से 264 किलोमीटर दूर बीरभूम में बहने वाली द्वारिका नदी के किनारे स्थित है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक तारापीठ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जहां आज भी तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सती का एक नेत्र गोलक यहाँ तारापीठ में गिरा था, जब भगवान शिव उनका शोक मनाते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उस मानी जाने वाली घटना को देखते हुए गांव का नाम चांदीपुर से तारापीठ कर दिया गया, क्योंकि नेत्र गोलक का बंगाली शब्द तारा होता है। यह मंदिर माँ तारा को समर्पित है। हिंदू परंपराओं के अनुसार माँ तारा को ज्ञान की 10 देवियों में से दूसरा माना जाता है, और उन्हें कालिका, भद्रकाली और महाकाली के नाम से जाना जाता है। तारापीठ का इतिहास देखें तो वशिष्ठ तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे, मगर लगातार प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे थे। उन्हें भगवान बुद्ध के पास जाने का प्रेरित किया। उन्होंने तारापीठ में अभ्यास करने के लिए कहा, जो माँ तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान था। वशिष्ठ जब तारापीठ आए और बाएं हाथ के तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचमकार यानी 5 निषिद्ध चीज़ों का उपयोग करके माँ तारा की पूजा करने लगे थे, उससे प्रसन्न होकर माँ तारा उनके सामने प्रकट हुई थी। उसके पश्चात फिर माता रानी पत्थर में बदल गई थी। उस दिन से तारापीठ में माँ की प्रतिमा की पूजा की जाती है। तारापीठ मंदिर को पागल संत वामा खेपा के लिए भी जाना जाता है, जिनकी पूजा भी मंदिर में की जाती है। वह शमशान घाट में रहते थे और कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन में तांत्रिक कला के साथ साथ सिद्ध योग भी करते थे, जो एक बहुत प्रसिद्ध संत थे। वामा खेपा ने अपना सारा जीवन माँ तारा के पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनका आश्रम मंदिर के नज़दीक ही स्थित है। अब हम बात करते हैं तारापीठ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है और यहाँ कैसे आए। मंदिर में दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के महीने के दौरान होता है। नवंबर से दिसंबर का समय ज़्यादातर पर्यटकों के द्वारा पसंद किया जाता है। अब बताते हैं कि माँ के दर्शन के लिए यहाँ कैसे पहुँचे। भारत के वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव में तारापीठ मंदिर स्थित है। मंदिर पहुँचने के लिए वीरभूम से स्टेट हाईवे 13 से जा सकते हैं। कोलकाता हवाई अड्डा तारापीठ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। वह 200 किलोमीटर दूर स्थित है। तारापीठ सड़कों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क से बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य और निजी बसें शहरों के तारापीठ को जोड़ती है। रामपुर हाट रेलवे स्टेशन तारापीठ मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वह शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों तक अपडेट करता रहूं। धन्यवाद। जय माता रानी।